आई दिस इज जेफ अब्राम चिल्ड्रन एंटरटेनमेंट। तो गाइस आज हम आए हैं न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज हम कुछ न्यू ट्राई कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं शाहपुर फार्म पर। तो अभी हम रास्ते में, ये अभी हमें छोटा तीन नाका के मुमरा के, आप देख सकते हैं बहुत ट्रैफिक है यार। अभी हमारी गाड़ी आ रही है, आप देख सकते हैं बहुत ट्रैफिक है। तो अभी हम आगे जाके और कवर करेंगे इंशाल्लाह। हम पर्सनल कुर्बानी के बकरे हमारे कवर करेंगे जो फार्म पर हमने रखे, तो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आप वीडियो एंड तक का देखना। तो अभी भी हम मुमरा के टूल नाके पे खड़े हैं, यहाँ से हमारी गाड़ी आने वाली है, लेकिन बहुत ट्रैफिक है, गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई है। ये भिवंडी जाने का रास्ता, और हमारी गाड़ी आ रही है कुरला से। हमारी गाड़ी कब से फंसी हुई थी, तो अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठने। कब से हमारी गाड़ी इधर ही फंसी हुई थी, अभी हम जा रहे गाड़ी में बैठने चल के। तो गाइस अभी हम गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम आधे घंटे से टूल नाके पे फंसे हुए थे, अभी जाके हम पार किए। तो अभी हम जा रहे शाहपुर, इंशाल्लाह हम आपको फार्म का थोड़ा सी ओवरव्यू देंगे और अपने पर्सनल कुर्बानी के बकरे दिखाएंगे। ये हम हमारी फैमिली के साथ जा रहे, चाचा और मेरे अब्बा लोग हैं साथ में। ब्लू बेल फार्म जा रहे हैं अभी हम। यानी भिवंडी पहुँच गए हम लोग। और ये हैदर भाई हैं, बिरयानी खाते हुए। इनको बहुत जोर से भूख लगी थी। हमारे पेट्रोल भरा के हो गया। अभी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो रही है। मैं आपको बता दूं, कुरला से अगर कोई जाता है ब्लूबेल फार्म तो चार पाँच घंटा लगता है ब्लूबेल फार्म जाने। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखना, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने में। अभी और आधा घंटा लगेगा पहुंचने में, माशाल्लाह व्यू देखो गाइस। तो गाइस देख सकते हैं पूरा रास्ता खाली, आगे पीछे एक दो गाड़ी दिखेंगे आपको थोड़ा बाहर से। आप देख सकते हैं अभी बहुत बारिश हो रही है, बारिश देखो, पूरा रास्ता हमारा है बारिश नहीं हुई थी, और अभी हम पहुंचने वाले हैं तो बारिश हो रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं अकेला झाड़ है, अग्निपथ का झाड़ इसको बोलते हैं। माशाल्लाह व्यू बहुत अच्छा है, इधर उधर भी दिखेगी। लोनावला खंडाला फेल है वो शाहपुर में। तो गाइस अभी हम पहुंच गए, ये फार्म है माशाल्लाह। आपने देखे होंगे 3.5-4 घंटा लगता है, व्यू देखे होंगे आपने माशाल्लाह। इधर आने का यही अच्छा लगता है, इधर का व्यू देखने अलग ही मजा आता है। तो अभी हम पहुंच गए फार्म पर, ब्लू बेल एग्रो गुड फार्म। अंदर वीडियो शो नहीं कर सकते, तो हम अपने खाली पर्सनल बकरे दिखाएंगे। हम यहाँ पर 5-6 साल से आते जाते हैं।
8 साल से आ रहे हैं बेटा अपन यहाँ पे 8 साल से। हाँ, अपना सबसे पहला फार्म हमारा जो शौक शुरू हुआ है वो इसी फार्म से हुआ है, ये फार्म से ब्लू बेल। एक बार अंदर चल के फार्म चलो तो बम्बई का सारा फार्म आप भूल जाओगे। जो सफाई माशाल्लाह, जो क्वालिटी, जो चीज, जो व्यवहार, जो उनका इखलाक, अंदर चल के देखो आपको पता चल जाएगा। मैं इसको उतारू ना, एक मिनट उतर। अभी हम पहुंच चुके ब्लू बेल एग्रो गुड फार्म। माशाल्लाह आप देख सकते हैं व्यू बहुत प्यारा है। अभी हम गेट से अंदर जा रहे हैं। इधर माशाल्लाह हर चीज है। बतख देखो गाइस, मुर्गी, बतख, इधर बतख लोग का रहने का बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह, देख सकते हैं आप। तो बहुत अच्छा फार्म है, बहुत अच्छा फार्म है। इधर वीडियो बना नहीं सकते, खाली अपन पर्सनल बनाएंगे इंशाल्लाह अपनी कुर्बानी की। बतख देखो गाइस, 100-150 से ज्यादा बतख, 100-150 से ज्यादा तो बतख ही है इधर। मुर्गी 200, मुर्गी 200-300 होगी। और पेड़ देखो, नींबू का, आम का, आम का झाड़, नारियल का झाड़, नारियल का, हर चीज का झाड़ है, हर चीज का झाड़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्लू बेल एग्रो गुड फार्म माशाल्लाह, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। लेकिन बारिश देख सकते हैं, फार्म भी बहुत अच्छा मेंटेन रहता है यहाँ का। मैं जब 9वीं में था तब से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ माशाल्लाह। अच्छा लगता है यहाँ पर आने में, जैसे बताया इधर का व्यू वगैरह रहता है तब बहुत खुशी होती है देख के। अब बकरे भी मतलब एकदम साफ सुथरे। अभी हम फार्म के अंदर आए, हमारा बकरा है माशाल्लाह पंजाबी। तो अभी हम जा रहे वजन करने माशाल्लाह। हाइट ले रहा है 94 केजी का, 44 हाइट है इसकी। 94 आया पिछले हफ्ता में, वजन किया 100 किलो, सब दो दो चार चार किलो वजन तोड़ दिए बकरे। कालू माशाल्लाह, ये हमारा पहला बकरा है। और दूसरा मुन्ना, जैसे आपने उसका नाम मुन्ना है, और ये हमारा माशाल्लाह तीसरा बकरा है। माशाल्लाह, पहले दो देखे और ये तीसरा। माशाल्लाह अपना मुन्ना है, वो अपना कालू देख सकते हैं। जैसे कि मैं बताया, पर्सनल अपने खुद के कवर किया, ऐसा वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, खाली अपने पर्सनल में बनाया। माशाल्लाह हमारा तीसरा बकरा है, माशाल्लाह तीसरा बकरा है हमारा। ये केज में और वो दोनों ऐसा बाहर बाड़े में। तो गाइस अभी हम फार्म से निकल चुके हैं, आपने देखे होंगे हमने अपने खुद के पर्सनल बकरे कवर किए। तो अभी हम निकले, आप देख सकते हैं जो चीज़ दोपहर में इतनी खूबसूरत लग रही थी आने के टाइम, वही अभी रात के टाइम इतनी डरावनी लग रही है। अभी हम आए स्वास्तिक ढाबा में, बारिश तो बहुत हो रही है आप देख सकते हैं। अभी रात के बज रहे कुछ 11, तो अभी हम खाना खाने आए। तो इज्जाचु आज का दिन कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, फार्म पे तो बहुत मजा आई, बहुत ज्यादा मजा आ गई फार्म पे बेटा। तो अभी हम खाना खाने मुआयना किए। तो अभी हम अंदर, मौसम भी बहुत जबरदस्त था, ऐसा मौसम हमें बम्बई में कहीं देखने नहीं मिलता है। लेकिन बारिश बहुत हुई, बारिश तो बाप रे बाप, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत। तो गाइस अभी अंदर का देख सकते हैं आप, पूरा चेंज हो गया, पहले ऐसा नहीं था।
पहले अलग ही कॉन्सेप्ट था इनका, लेकिन अभी पूरा चेंज हो गया। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन बहुत अच्छा ढाबा है। हम जब भी आते इधर ही आते स्वास्तिक में, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। पहला ऐसा नहीं था, पूरा चेंज हो गया है, बहुत अच्छा बना है। अभी इधर सामने भी देख सकते हैं, बारिश हो रही है तो मैं उधर जाता था। अभी आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। अभी हम स्वास्तिक ढाबा में सब बैठ के बात कर रहे हैं। मोहम्मद भाई सवाया गुड फार्म के ओनर जो है, सब बैठ के बात कर रहे हैं, मेरे अब्बा मेरे चाचा लोग। तो गाइस आज का व्लॉग बता आपको कैसा लगा होगा, फर्स्ट टाइम मैंने ये व्लॉग बनाया। तो गाइस जिस किसी को भी अपने पेट्स की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करवाना हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करना, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो गाइस जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, इंशाल्लाह आप तक और भी अच्छी वीडियोज़ लाएंगे। अल्लाह हाफिज़।